दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात और इसराइल एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से दोनों ही देश काफी करीब आए हैं। वहीं पर भारत के यूएई के साथ रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। वहीं पर भारत ने पहला FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूएई के साथ ही इसी साल साइन किया था। इसके अलावा यूएई पहला देश था जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने आया था। इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं यूएई के साथ। वहीं पर इसराइल के बारे में तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि भारत उसे न केवल अपना दोस्त मानता है बल्कि अपना भाई का दर्जा देता है। अब ये दोनों ही देश भारत अमेरिका के साथ क्वाड 2.0 में भी शामिल है। वहीं पर अब ये दोनों ही देश मिलकर भारत के साथ काम करते हुए भारत का 75 साल पुराना सपना पूरा करेंगे। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ISMC टू इन्वेस्ट ₹22,900 करोड़ इन कर्नाटका ऑन सेमी कंडक्टर फेब्रिकेंट प्लांट। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दरअसल भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेब्रिकेंट प्लांट की मदद से प्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। और इसका कारण है कर्नाटका में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेंट प्लांट लगने जा रहा है। कंपनी 7 साल की अवधि में इस परियोजना को लागू करेगी। कर्नाटक सरकार ने 22,900 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए इसराइल स्थित कंपनी ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आप ISMC के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ISMC क्या है। दरअसल ISMC अबू धाबी की नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर और इसराइल की टावर सेमीकंडक्टर का एक जॉइंट वेंचर है। ISMC ने मैसूर के कोचीहली इंडस्ट्रियल एरिया में 150 एकड़ जमीन की मांग की है। ये भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल पर केंद्र सरकार के भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत की पहली और सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट में से एक होगी। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत 21वीं सदी की जरूरतों के लिए युवा भारतीयों के कौशल और प्रशिक्षण में भारी निवेश कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि भारत में एक असाधारण सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा पूल है जो दुनिया के अर्धचालक डिजाइन इंजीनियरों का 20% तक बनाता है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से पूरी दुनिया कोरोना काल में परेशान थी। सेमीकंडक्टर यूं तो एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन इसके ऊपर सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट निर्भर होते हैं, फिर चाहे कार से लेकर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन ही क्यों ना हो। सेमीकंडक्टर का हब ताइवान को माना जाता है और दुनिया के शक्तिशाली से शक्तिशाली देश उससे ही ये लेते हैं। लेकिन कोरोना काल में आई इसमें शॉर्टेज के बाद, जिसकी वजह से कार वगैरह की डिलीवरी में एक एक साल का डिले हुआ, जिसके बाद भारत सरकार और भारत की प्राइवेट कंपनियां खुद ही इस फील्ड में उतरने का फैसला लिया और अब भारत में इसका एक बड़ा प्लांट बन रहा है, जो कि काफी अच्छी खबर है। बहरहाल बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में, जो कि जर्मनी से आई है। दरअसल जहां सबकी नजर इस जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी पर टिकी हुई थी, वहीं पर इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक बड़ा काम कर दिया है। दरअसल जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जर्मनी चीन को पसंद नहीं करता और जर्मनी के नए चांसलर ओलेफ सत्ता में आए ही एंटी चाइना पॉलिसी के कारण थे। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मौके पर चौका चढ़ दिया है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री ने जर्मनी से कई मुद्दे पर चर्चा की, साथ ही कई समझौते भी किए। वहीं पर भारतीय विदेश मंत्री ने जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ एक अहम मुद्दे पर चर्चा की। इसके बारे में जानकारी खुद एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके दी थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा हिंद प्रशांत महासागर यानी कि इंडो पैसिफिक को लेकर जर्मनी की विदेश मंत्री से चर्चा हुई। दोस्तों, ये चीन को घेरने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर एक बड़ा कदम है, जिसमें भारत को जर्मनी का साथ मिल गया है। दरअसल भारत ने जिस तरह से कूटनीतिक ताकत से पाकिस्तान को अलग थलग किया, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत हम सबके सामने है। कोई भी देश उसको मुंह नहीं लगा रहा। अमेरिका और अरब देशों से भी उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं और भारत ने उसे आइसोलेट पूरी तरह से कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से अब भारत चीन के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्तर पर मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक देश को अपने साथ करके चीन को आइसोलेट कर रहा है। भारत हर देश से, चाहे अमेरिका हो या फिर जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन आदि सभी से बात करते हुए आतंकवाद और इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठाता है। आतंकवाद पाकिस्तान के लिए और इंडो पैसिफिक चीन के लिए है, जिसमें भारत को सभी देशों का समर्थन धीरे धीरे हासिल हो रहा है। इंडो पैसिफिक का नाम आते ही चीन की हालत खराब हो जाती है। इस इलाके में बढ़ते चीन के दबदबे के बीच भारत की जर्मनी से हुई बैठक बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है। आज इंडो पैसिफिक कई देशों के लिए अहम मुद्दा और कूटनीतिक मंच बन चुका है, क्योंकि विश्व के व्यापार के 75% का आयात और निर्यात इसी जगह से होता है और इसी क्षेत्र को हड़पने में चीन लगा हुआ है। यहाँ के बंदरगाह विश्व के सबसे बिजी बंदरगाह होते हैं। चीन हमेशा से इस क्षेत्र में आने वाले देशों के लिए बड़ा खतरा रहा है, खास तौर पर भारत के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अगला युद्ध इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर ही लड़ा जाएगा, जिसमें भारत, अमेरिका, चाइना आमने सामने हो सकते हैं। सभी देश का प्रॉफिट इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और चीन की दादागिरी ये सब खत्म
करना चाहते हैं और ये भारत के साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी देश अब भारत के साथ चलने के लिए तैयार हैं और इसी के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत और जर्मनी के बीच हुई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।